कोई मनाही नहीं है, लेकिन जब रोजाना जब पीते हैं ना, तो लीवर जब खोलता था ना, मैं मेरी इच्छा होती थी कि आदमी काश जिंदा होता है, इसको इसका लीवर दिखाता ना, जिंदगी में कभी शराब नहीं पीता ही। लीवर इतनी गंदा शराब कर, इतना गंदा कर देती है लीवर को, साला फोड़े फोड़े हो जाते हैं पूरे लीवर पे, जलाती है ये उसको। आपको भी अगर आपका लीवर जो शराब पीता ना, एक बार देख लोगे ना जिंदगी में शराब को हाथ नहीं लगाओगे। बहुत बुरी हालत करती है। दो चीजों पर मेरी नजर होती थी, इसका लीवर और लंग्स, फेफड़े कैसे होते थे। जब जिसके फेफड़े देखता था ना, जो आदमी, कोई महिलाएं खासकर महिलाओं में डेड बॉडी आती थी, उनके लंग्स थे बिल्कुल सॉफ्ट होते थे, अच्छे होते थे, पिंक कलर के, और कईयों के जब फेफड़े खोलते थे ना, साला उठाते थे ना, ऐसे गंदगी टपकती थी, काली काली, पूरा इतना गंदा फेफड़ा होता था, साफ लिख देते थे कि ये आदमी क्रोनिक स्मोकर था, बीड़ी सिगरेट पीता था। बहुत बुरी हालत होती थी। अगर मैं यही सोचता था ये आदमी जिंदा होता, इसको इसके फेफड़े दिखा देता ना, साला जिंदगी में बीड़ी सिगरेट को हाथ नहीं लगाता, दारू नहीं पीता। ये बहुत नुकसान करती है बीड़ी सिगरेट, और ये आपके अंदर बहुत नुकसान करती है। लेकिन समस्या एक ही है कि इनकी लत लग जाती है, आदमी मजबूर हो जाता है, उसको चाहिए ही चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर का मेन कारण अल्कोहल है, स्ट्रोक का, हार्ट प्रॉब्लम्स का, ट्राइग्लिसराइड बढ़ने का, सेक्सुअल फंक्शन लोगों के खराब हो रहे हैं, लो ब्लड शुगर का, विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसी, क्रोनिक फटीग, कीटोएसिडोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, गाउट, बॉडी वेट कंट्रोल, एनीमिया, डिक्रीज नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट, इंक्रीज इवेंट इन ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, ये सब बीमारियां जुड़ी हुई है अल्कोहल यूज से। जब अल्कोहल यूज करने लगते हैं तो ये सारी समस्या उसके साथ होने लगती है, और वो उनकी दवाइयां खाने लगता है। ये है शराब। उसके बाद बात करें सिगरेट की। सिगरेट के अंदर एक तत्व पाया जाता है, जिसका मेन क्या है, उसके अंदर पाया जाता है शराब के अंदर, सिगरेट के अंदर निकोटिन। निकोटीन क्या करता है, निकोटीन जब आप सिगरेट इस्तेमाल करते हैं तो बहुत आपके फेफड़ों को बुरी तरह प्रभावित करती है। निकोटीन क्या करता है, निकोटीन आपके शरीर में आपके हार्ट को, लंग को, मस्कुलर और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इनको डैमेज करने का काम करता है। सिगरेट के अंदर जब आप सिगरेट पीते हैं ना, तो आपको क्या क्या मिलता है, आपको ब्यूटेन मिलती है जो कि लाइटर के अंदर पाया जाता है, आपके अंदर कैडमियम मिलती है, आर्सेनिक मिलता है, आपके अंदर हेक्सेन मिलता है, आपको अंदर मीथेन मिलती है जो कि सीवर की जो गैस होती है वो मिलती है, एसिटिक एसिड मिलता है, इसके अंदर आपको स्टेरिक एसिड मिलता है। बताया गया जिस खतरनाक चीज में जो होता है वो सारी चीजें सिगरेट के अंदर आपको मिलती है। अमोनिया मिलता है जो टॉयलेट क्लीनर के अंदर पाया जाता है, निकोटीन मिलता है जो बहुत बड़ा इंसेक्टिसाइड है, टूलेन मिलती है जो इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है, हेजिन मिलती है, ये सब खतरनाक चीजें हैं, जो खतरनाक केमिकल है जो सिगरेट की वजह से हमें मिलते हैं। इनमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से लत लगती है, वो है निकोटीन। तो दोस्तों, शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, ये सभी क्या है, इनके अंदर बहुत खतरनाक जहरीले तत्व है, जैसे है सब कुछ है, लेकिन बस इनका एक काम है कि ये डोपामिन को बढ़ाते हैं, खुशी देते हैं कुछ समय के लिए, क्षणिक सुखी देते, खुश देते हैं, जिसकी वजह से लोग इनको इस्तेमाल करते हैं। और उस क्षणिक सुख के लिए, थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस फ्री होने के लिए, आदमी अपने शरीर को दांव पर लगा देता है और शरीर पर सारे नुकसान होते हैं। अब इनका समाधान क्या है, सबको पता नुकसानदायक है, समाधान क्या है, समाधान देखिए क्या है। लोग अभी क्या करते हैं, जिसको सिगरेट की आदत है, सिगरेट की आदत क्यों पड़ी, क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है, मेनली निकोटीन। अब मार्केट में कंपनियां आ गई बहुत सारी कि लोग सिगरेट पी रहे हैं, सबको पता है निकोटीन है, नुकसान करती है, लोग सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए विकल्प क्या बनाया, बहुत सारी कंपनियां, उन्होंने क्या किया, निकोटीन की टॉफी बना दी, निकोटीन का आजकल पैच बना दिया, निकोटीन की च्युइंग गम बना दी है, इस तरह के निकोटीन के बहुत सारे प्रोडक्ट बना दिए। अब होगा क्या, जिसको सिगरेट पीनी है उसको बोलेंगे जब भी तरह सिगरेट का मन हो तो उसकी बजाय क्या करना है, एक टॉफी चूस लेना। अब शरीर को सिगरेट से क्या मिल रही थी, निकोटीन, वो अब किससे मिलने लग गई, टॉफी से मिलने लग गई। शरीर को नुकसान कौन कर रही है, निकोटीन, वो पहले सिगरेट से मिल रही थी, अब किससे मिलने लग गई, टॉफी से मिलने लग गई। सिगरेट की आदत तो छुट गई, अब इसकी आदत पड़ जाएगी। शरीर को तो सारा निकोटीन चाहिए था, वो सिगरेट की बजाय किससे दे दिया, इससे दे दिया। बोलेंगे देखा छुट गई ना सिगरेट की लत, सिगरेट की तो छुट गया, साला इसकी लग गई। एक छुड़ा एक दिया। आजकल ऐसा ही हो रहा है, आज नशा नहीं छुड़वा रहे लोग, एक नशे को छुड़वा के उसकी जगह दूसरा नशा लगा। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनके ये नशा मुक्ति केंद्र खोल रखे, उन्होंने रिहैबिलिटेशन सेंटर खोल रखे हैं,
मैं उनसे पूछता हूं कई बार यार तुम नशा छुड़वाने के लिए मरीज बुलाते हो, तुम्हारे पास खूब भीड़ भी रहती, कैसे छुड़वाते हो नशा? बोले छुड़वाते थोड़ी है, जो शराब भी आता उसको गंजेड़ी बना देते, जो गंजेड़ी आता उसको शराब भी बना देते भाई उसको छोड़ के उसके घर वाले उसको छोड़ने आए, बोले जी हमारा आदमी है ये ना शराब पीता है, इसकी शराब छुड़वा दो, छुड़वा देंगे एडमिट कर दो उसको, साला रोज शराब पीजे गांजा पिलाने लगे, वो साला शराब छूट गया गांजा पीने लगे, बोले देखो शराब छूट गई एक तो छोड़ दिया कैसे हाँ। दूसरा पकड़ा, बस सीधी सी बात है, सीधी सी बात, बोले कौन सी शराब पीता है, बोले जी ये कोई भी ब्रांड अब ज्यादा नाम मुझे पता नहीं है, सिग्नेचर बोले जी ये देखो ये सिग्नेचर पीता है, रोज पीता है, बोले ठीक है छुड़वा देंगे, उसको साला ब्लेंडर प्राइस बुलाने लगे, बोले देखा सिग्नेचर छूट गई एक एक को छुड़वाने के लिए दूसरा नशा दे रहे, ये तरीका नहीं है, शराब छुड़वा दी गांजा पीने लग गया, गांजा पीता था बोले जी गांजा बहुत पीता, उसको साला दूसरा नशा देने लगे, कोई किसी को हेरोइन चटाने लगे, किसी को नशा मुक्ति केंद्रों में नशे को बदला जाता है एक नशे से दूसरा नशा, पर जिससे परेशान है घर वाले वो बदल दिया दूसरा कर दिया है, कुछ भी किसी भी तरह का नशा है ना, ये सब क्या है डोपामिन रिलीज बढ़ाते हैं और ये इस तरह की लत, तो ये गलत तरीका है नशा छुड़वाने का, कैसे छूट सकता है, एक ही तरीका है, इस डोपामिन का जो लेवल है जो ऊपर सेट हो गया है इसको वापस हमें नॉर्मल लाना है, आदमी के जीवन में खुशियां लानी है, मजबूर है वो बेचारा पीने को, उसको डरा के धमका के नहीं छुड़वा सकते, मजबूरी है उसकी, उसका डोपामिन का लेवल सेट हो गया ऊपर स्ट्रेस की वजह से, बार बार शराब पीने से, इनकी वजह से, हमें उसे जीवन में वापस खुशियां लानी है, हैप्पीनेस लानी है, और वो किससे आएगी डोपामिन से, तो हमें डोपामिन का सिक्रीशन नेचुरल करना है, उसके लिए आयुर्वेद में कुछ चीजों का जिक्र किया गया है, उसके लिए आयुर्वेद में जिक्र किया गया ब्रह्मी संखपुष्पी वच, वच वच एक ऐसी औषधि है जो डोपामिन सिक्रेशन को नॉर्मल करती है, ऐसी बहुत सारी औषधियां हैं जो इस डोपामिन के सिक्रेशन को अच्छा बनाती है, मार्केट में शराब छुड़ाने के लिए दवाइयां भी आती हैं, ये दवाई दे दो शराब छूट जाएगी, आती है बिल्कुल आती है, वो क्या है समझना क्या है, कुछ ऐसे केमिकल आते हैं जो शराब के साथ रिएक्शन करते हैं, कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो निकोटीन के साथ रिएक्शन करती हैं, तो वो चीज अगर आपके अंदर डाल दी मैंने शराब के साथ रिएक्शन करने वाली चीज दे दी, जैसे आप शराब पियोगे रिएक्शन होगी, तकलीफ होगी, उल्टी आएंगी, और आदमी डर के मारे शराब छोड़ देगा कि शराब पीने से तकलीफ हुई बहुत उल्टियां आ गई, लेकिन इसी रिएक्शन में वो मर भी सकता है, जो रिएक्शन होगी ना मर जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, खून की उल्टी आएगी, मर सकता है आदमी, ऐसी परिवार वालों को मत दे देना, शराब छुड़ाने की दवाई जगह जगह लिखी मिलती है, वो केवल रिएक्शन केमिकल है कि शराब पिएगा रिएक्शन होगी तकलीफ होगी छोड़ देगा, गलत चीज है मत दे देना किसी को, हार्ट अटैक आ जाएगा रिएक्शन में, वो कितनी बड़ी रिएक्शन होगी वो उल्टी से भी काम चल सकता है और हार्ट अटैक से मर भी सकता है, मत दे देना किसी को, खिलवाड़ नहीं करना शरीर के साथ, हमें क्या करना है डोपामिन के सिक्रीशन को नेचुरल रखना है, और वो किसके लिए आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें का जिक्र किया गया है, और उन्हीं सारी चीजों को मिला के दोस्तों एक प्राकृतिक प्रोडक्ट हमने तैयार किया है जिसका नाम है मोहना, आपको चला रही है आपके परिवार की तरफ, सोचिए एक बार, या शराब जो आपको आपके समाज योद्धाओं पर लगा रही है, ये सभी मेरे को कई लोग बोले, कई डॉक्टर्स बोले, बोले यार तुमने इसमें दो नशा में सभी शराब बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू सब पे कांटा लगा दिया, एक ही प्रोडक्ट सब पे काम कर रहा है क्यों कर रहा है, क्योंकि कोई केमिकल नहीं है शराब के रिएक्शन के लिए अलग सिगरेट के, ऐसा नहीं है मार्केट में, ऐसा ही चलता है शराब के लिए अलग बीड़ी सिगरेट के अलग, हम उसमें काम ही नहीं कर रहे हैं, हम तो रूट कोज क्या है दिमाग, नशा कहां काम कर रहा है दिमाग में, चाहे बीड़ी सिगरेट का हो गुटके का हो शराब का हो, सभी तरह के नशे की जो लत है ना दोस्तों 100% दावे के साथ बता सकता हूं, अगर कोई इसको इस्तेमाल करता है ना एक से तीन महीना भी तक लगेगा नहीं किसी को भी, साला अभी तो महीना नहीं हुआ इसको लॉन्च हुए, ऐसे ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं, 10 दिन में लोगों को गुटखा छूट गया, 5 दिन में छूट गया, 15 दिन हुए मैक्सिमम लोगों को, और शराब बीड़ी सिगरेट गुटके की लत उनकी छूटनी शुरू हो गई है, 3 दिन में किसको आया आप आओ बताओ, आप आओ प्लीज, पहले एक बार लेना कैसे है, बहुत आसान है, ड्रॉप फॉर्म में है, 10 से 15 ड्रॉप सुबह, 10 से 15 बूंद शाम को, पानी में, चाय में, दाल में, सब्जी में, किसी भी चीज में डाल के उसको दे सकते हो, हाँ अगर कोई छोड़ना चाहता है, समझना, अगर कोई छोड़ना चाहता है कि उसको पता है कि शराब नुकसान पहुंचा रही है, मेरा परिवार का भी लॉस हो रहा है, मेरे परिवार वाले दुखी है, पत्नी दुखी है, बच्चे दुखी है, कितने दुखी है केवल एक वजह से, उसकी शराब की वजह से,
अगर वो छोड़ना चाहता है तो उस पर ये तीसरे दिन चौथे दिन पांचवें दिन असर करती है, शराब छूटने लगती है। और ऐसा नहीं कि पीने से कोई रिएक्शन हो जाएगी, ऐसा नहीं है, खुद ही मन ही नहीं करेगा उसका पीने से। ऐसा नहीं कि ये ले लिया और बाई चांस शराब पी लेगा तो कोई रिएक्शन, ना, मन ही नहीं करेगा कि मैं शराब पीऊं। अंदर से उसके अंदर से इच्छा नहीं होगी कि वो शराब पिए, उसके डोपामिन का सीक्रेट जो लेवल है वो आप डिक्रीज करेगी, उसको खुशियां मिलनी शुरू होंगी, दिमाग मोटिवेट रहेगा और सभी तरह का नशा उसका खुद ही करने का मन नहीं करेगा। 10 से 15 बोल सुबह, 10 से 15 जो चाहता है उसके लिए तो बहुत शानदार चीज है, जो नहीं चाहता है और आप देना चाहते हो, आपका पति पीता है, आपका भाई पीता है, कोई भी पीता है, आप परेशान है लेकिन वो नहीं चाहता छोड़ना, तो उसको बिना बताए दे सकते, तो भी काम करेगी। उसमें हो सकता है कुछ दिन ज्यादा लगे क्योंकि उसका खुद का मोटिवेशन नहीं जुड़ रहा साथ में, खुद का मोटिवेशन जुड़ता है तो जल्दी काम करता है, बिना बताए दोगे तो 15 दिन लग जाएंगे, 20 दिन लग जाएंगे, होगा 100% ये मेरा दावा। आपने इस्तेमाल किया खुद पे? अपना नाम बताओ, किसको इस्तेमाल कराया बताओ। डिपार्टमेंट से हूँ, ऐसे मैंने एक व्यक्ति को दिया था जो 16 साल के करीब था, 16 से 18 साल के करीब था, तो उसकी मम्मी बहुत परेशान थी और ऐसे मैंने किया उनके पास और मैंने यही चीज बोला कि चाची मेरे पास नो नशा का प्रोडक्ट है, जितने भी जो नशा करते हैं जो आजकल के अधिकतर मतलब युवा लोग जो कर रहे हैं उसमें से बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है और उसमें से अभी बेहतर तरीके से मतलब बनाया गया है, 100% है कि मतलब इसमें से मैं जो नशा जो लत इसका जो लग गया है उसको ऑटोमेटिक इसका जो लत है उसको पूरा छुड़ा देगा। और उस व्यक्ति को मैंने भी बुलाया, उसका जो लड़का था उसको भी मैंने बोला कि देखो आजकल जितना भी मतलब जो भी नशा कर रहे हैं अधिकतर मतलब नशा होते ही मतलब अधिक जीवित भी नहीं रह रहे और किडनी वाली बारी अधिकतर मतलब अटैक होता है, किडनी का कहीं ज्यादा बात सुने हैं तो जैसे मतलब कोई बोलता है कि लीवर में पानी भर गया और उसके बाद में डेथ हो गया, कई सारा मतलब ऐसे सुनने के लिए मिलता होगा, ऐसे मैंने बोला उनको तो वो बोला कि हाँ ये तो सही बात है। और उसी जगह मैंने दिया नॉन असर का प्रोडक्ट दिया जिसे सर ने जो लॉन्च किया है उसको मैंने दिया, उसके बाद लिपोस है जो टेबलेट है टेबलेट को मैंने दिया और 2 दिन के बाद में मैंने दिया और वो लड़का खुद बोला कि मैं इस प्रोडक्ट को यूज कर रहा हूँ अभी मैं पूरा स्वस्थ हूँ और अभी तक मैंने हाथ भी नहीं लगाया जो नशा था वो हाथ भी नहीं लगाया अभी पूरा बिल्कुल मैं ठीक हूँ और बहुत अच्छा लगता है और इस प्रोडक्ट को मैंने मतलब ले करके अभी खाना भी बहुत अधिक खा रहा हूँ, पहले खाना भी खाने का इच्छा नहीं होता था, उसकी मम्मी भी बहुत खुश है, ऐसे मैंने दो व्यक्ति को दिया था दोनों का रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो ठीक है सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया, 17 साल के लड़के का नशा का छुड़वाया उन्होंने तो उसके और उसके पूरे परिवार की कितनी ब्लेसिंग इनको मिलेगी, हर चीज में जो 1900 देने से इनकी कमाई कितनी हुई लेकिन इस प्रोडक्ट की वजह से कोई परिवार अच्छा हो गया तो दुआएं कितनी मिलेंगी, ब्लेसिंग्स कितनी मिलेंगी आपने किसको दिया? हेलो, मैं सतीन्द्र बोल रहा हूं बोकारो से। ये 3 दिन का रिजल्ट है, 29 तारीख को सर का भारत सरकार मेरे एक प्रोग्राम था और जो नशा वाला व्यक्ति था उसका भाई स्मृति में बैठा हुआ था, फिर जाकर अपने घर में चर्चा किया और उसकी फवाओं जो थी उसको बताया कि मेरे बारे में उनके यहाँ जाइए और उनके यहाँ एक दवा आया हुआ है जो नशा छुड़ा देगा। वो उसकी वाइफ जो मेरे यहाँ आई और बहुत रो रो के बोल रही थी कि अगर आप छुड़ा दीजिएगा तो जो बोलिए वो ही मान जाएंगे, हम बोले कोशिश कर सकते ऐसा दवा आया है। फिर हम गए उसके घर में, उसके घर में जाकर पूरा फैमिली को मोटिवेट किए कि छूट सकता है और उसके बाद वो आदमी आया उसको बताया कि भाई कैसे छोड़ेगा, तो साइकिल के ना वही छोड़ने के लिए आपको एक उपाय करना मेरी मोटरसाइकिल पीछे करना पड़ेगा और गांव में बहुत मान्यता है उनका, गांव ग्राम में जाओ और चलो वहां पर एक प्रणाम करो, प्रणाम उमान किया उसके बाद उसको दुकान में ले गए और ले लिए दे दिए और देने के बाद अपने हिसाब से पहले बड़ा बड़ा पिलाए और उसके बाद 2 टाइम तो दिए थे, 2 टाइम को शाम में पिया, 3 टाइम को भोजन पिया और 3 टाइम को शाम में पिया और 4 टाइम को भोले भोले हम लालू जी मेरे भाई है दोनों उनका घर गए तो जिस रो रो के पूरा फैमिली बोल रहा था कि ये मेरा क्योंकि पेट जो था उसका इतना फूल गया था उसकी वाइफ का कहना था इसका पेट ऐसा हो गया था और आज जो मैं पूरा ऐसे दबा दबा कर देख रही थी अपने से खत्म हो गया निर्णय हो गया और किस दिन से दिए उस दिन से बोला कि पहली बार ऐसा हुआ है यार कि 9 बजे सोया था और 5 बजे उठा और प्रत्येक दिन ऐसा होता था कि 2-3 बोतल भी पीता था उस बार 2 बजे दिन खुल जाता था और 2 बजे आकर पी लेता था
तीन बजे पी लेता था, ये स्थिति था। और मात्र चार पांच टाइम में वो इतना आदमी सोने लगा कि नौ बजे सोता और पांच बजे उठता था। और दो तीन दिन से अभी फोन आ रहा है कि कब आइएगा कब आइएगा, तीन चार आदमी और मेरे संपर्क में आ चुका है जिन दोनों साथ देना है। ये रिजल्ट है दोनों साथ। ये वास्तव में बहुत ही ब्लेसिंग करने का एक प्रोडक्ट है। लोगों का घर सुधरेगा, परिवार सुधरेगा, है ना। मैंने भी ऐसे बहुत सारे खुद अपने आप से टेस्टिमोनी लिए हैं, जो मेरे जानकार थे शराब पीते थे, ऐसे बहुत सारे मैं फैक्ट्री जाता था, मजदूर वगैरह थे जिनको भी मैं देखता था, मैंने सबको दे दिया, सब बहुत बढ़िया। लोगों के जीवन में एक नई चीजें आ गई है नौ नशे के प्रोडक्ट लेने से। नहीं मिल रहा कहां पर, अभी घट गया था पीछे, वो मेरी गलती की वजह से घट गया। जब भी कोई प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं तो मैं पहला बैच लगभग 10,000 पीस का एक बैच बनाता हूं। मैं खुद कोई भी प्रोडक्ट पहला लॉन्च करते हैं तो हम 10,000 पीस बनाते हैं, जिसका रिस्पांस आएगा देखते हैं, फिर दूसरा बैच में लेता हूं। तो मैंने इसके भी 10,000 पीस बनाए। अब 10,000 पीस बना दिए, मैं निश्चिंत हो गया था क्योंकि अब देखेंगे 15-20 दिन बाद दोबारा क्या रहता है। साला तीसरे दिन विंकी मैडम का फोन आया, सर वो सारा खत्म हो गया है। मैं भी साला हाथ पांव फूल के 10,000 पीस बनाया था, तीसरा ही दिन हुआ साला एक भी नहीं है, फटाफट पेरो। और वो इस दौरान बीच में कुछ दिन का गड़बड़ रहा, क्योंकि मैं मेरी तैयारी थी कि 10,000 पीस बनाए चलेगा, 10-15 दिन तो महीना भर खींचेगा, साला तीसरे दिन नमेड़ दिया आप लोगों ने। अब मेरे समझ में आ गया कि कितना बनाना है, अब आगे कमी नहीं होने दूंगा, मेरी गारंटी है ना। अभी एक बार दिक्कत आई है, आने वाले समय में मुझे लगता है दो नशा का एक अलग से यूनिट छोटा सा लगाना पड़ेगा, ये बनता रहे वहां पे 24 घंटा। सर मोटिवेशन भी मिलता है, सही में गजब का प्रोडक्ट है ये। ये दो प्रोडक्ट इतना खपत होने वाला है, अमृत और नौ नशा। नौ नशा जी बिल्कुल है, तुलसी भी नहीं खत्म हो जाए। हां वेट करो, और देखो एक चीज और बताऊं आपको, जो व्यक्ति शराब नहीं पीते, लत नहीं है किसी चीज की, लत नहीं है शराब नहीं पीते, लेकिन स्ट्रेस में रहते हैं, खुशी नहीं रहते, परेशानी है, डिप्रेशन है, शराब तो नहीं पी उन्होंने, झेल रहे हैं। कुछ लोग शराब पीने लगे, कुछ ने शराब तो नहीं पी लेकिन स्ट्रेस में है, नींद अच्छी नहीं आ रही, स्ट्रेसफुल रहते हैं। तो उनके लिए भी जरूरी नहीं कि शराब वालों के लिए, जो लोग खुश नहीं रहते हैं उनको खुश रखने के लिए है नो नशा ग्रो। आप तो पहले से खुश रहते थे, आपका जूम मीटिंग देखा उसी दिन उसी टाइम में खोल कर लिया, दिन भर फुल एनर्जी, मतलब नींद ही नहीं आया सर, एनर्जेटिक रहे, पूरा एनर्जेटिक, बहुत अच्छा काम करता है ये। महिलाएं आप लोग ले, आप शराब भी उत्तर नहीं पीते कुछ भी, लेकिन आप शराब पीते हैं क्या? मैंने कहा नहीं पीते तो हंसने लगे, मैंने कहा आप पीते हो झारखंड में, पीती है बड़ा कॉमन हो गया आजकल, है ना। लेकिन आप लोग नहीं पीती है मुझे पता है, लेकिन फिर भी आप चाहते खुश रहे, स्ट्रेस ना हो, घर परिवार की चिंता होती है, ले लो ना, क्या दिक्कत, 10-15 बजे सुबह 10-15 बजे शाम को देखो, खुश रहोगे, डोपामिन रिलीज अच्छा रहेगा, स्ट्रेस दूर रहेगी, दिमाग मोटिवेटेड रहेगा। आप सब लोग भी जो नहीं पीते हैं, लत नहीं किसी चीज की मत लो, मुझे भी लत नहीं किसी चीज की, लेकिन मैं लेता हूं उसको, बहुत अच्छा है, एनर्जी लेवल बढ़ेगा आपका, आपके डोपामिन सीक्रेशन को बढ़ाएगा, स्ट्रेस को दूर करेगा। तो हर वो व्यक्ति जो किसी चीज की लत है या लत नहीं है, वो खुश रहना चाहता है, तो हैप्पीनेस को बढ़ाने के लिए, हार्मोन ऑफ हैप्पीनेस को बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट है नौ नशा। तो हमें दोस्तों इस प्रोडक्ट को हर उस घर तक पहुंचाना है जिस घर में लोग परेशान है, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, किसी तरह के नशे से परेशान है, लड़ाई झगड़ा होता है, कुछ भी होता है, उस घर उस घर तक निर्णय ले लो कि हमें इस प्रोडक्ट को पहुंचाना है, भारत को नशा मुक्त बनाना है, नो नशा का इस्तेमाल करवाना है। क्लियर है? यस। भारत को नशा मुक्त कराना है, नो नशा का इस्तेमाल करवा पाएंगे? आप बोलते बिजनेस नहीं बढ़ रहा, अरे साला ऐसी चीजें आपके पास है, गारंटी मैं ले रहा हूं आपकी कि दे के आ जाओ बस, गारंटी मैं ले रहा हूं कैंसर ठीक होगा, गारंटी मैं ले रहा हूं दमा ठीक होगा, गारंटी मैं ले रहा हूं उसका किसी भी तरह का लत छूटेगा। फिर भी अगर आप बिजनेस नहीं बढ़ा पा रहे हो तो गलती आप मेरी नहीं है, किसी की नहीं है, गलती आपकी है। कौन सा ऐसा घर है आज भारत में जिसमें इस प्रोडक्ट की जरूरत ना हो? कौन सा ऐसा घर है जिसमें अमृतम की जरूरत ना हो? तो पहुंचाएगा कौन वहां तक? कौन पहुंचाएगा? साला बिजनेस, अरे बिजनेस तो तुम भूल जाओगे, बीवी गिनता हुआ एक करोड़ में है, अरबों में है, कितना में है, बीवी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रोज खोल के 1,000 बीवी आ दो,
आप तो अपना काम करो, हर घर तक पहुंचा दो, बीवी बीवी लेवल सेवल, ये तो छोटी चीजें रह जाएंगी आपके सामने। आज मेन काम करना हमें प्रोडक्ट्स पे, हर घर को लोगों को प्रोडक्ट की जरूरत है, देते रहो, देखना आपका बिजनेस और बीवी कहां जाता है। करेंगे यस, पहुंचाएंगे हर घर तक यस।